जिस तरह से आपको दिल्ली के अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया, आपको बाहर रखा, आप पे लाठियां बरसाई, आपके आपके ऊपर टियर गैस डाला, आप पे पानी फेंकवाया, आपकी बिजली बंद कराई, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, इसको भूलिए मत, भूलिए मत। 10 सालों से आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें मंच पे, देशभक्ति की बातें। मैं पूछना चाहती हूं, कौन है वो देशभक्त जो इस देश को, इसकी आत्मा को नहीं समझ पाया, जो इस देश के किसान का आदर नहीं कर पाया? कौन है वो देशभक्त? नरेंद्र मोदी जी हैं? मुझे तो नहीं लगता। जिसने इस देश के किसानों को देशद्रोही कहा, इस देश के शहीदों को देशद्रोही कहा, मुझे तो नहीं लगता। याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन जब आप पर लाठियां बरसाई। अपनी सच्चाई को ठीक तरह से समझिए। आप जो टीवी पे देख रहे हैं कि देश की बड़ी तरक्की हो रही है, ये तरक्की आपके जीवन में नहीं दिख रही है। आज आप इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने आपके लिए नीतियां नहीं बनाई। इस सरकार ने सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपतियों के लिए अपनी नीतियां बनाई हैं। ये सच्चाई है इस देश की। आज सच्चाई है इस देश के किसान का खून पसीना जो इस धरती में रोज गिर रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सच्चाई मजदूर की है जो भटक रहा है रोज रोज दिहाड़ी ढूंढने के लिए, दिहाड़ी मिलती नहीं है, काम मिलता नहीं है। सच्चाई है इस देश के नौजवान की जिसके लिए अग्निवीर जैसी योजना ले आए, जिसको बेरोजगार रखने की साजिश है। क्योंकि अगर रोजगार मिल जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो फिर इनकी राजनीति को नकार देगा, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाली राजनीति है। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेने की, हर कीमत पे सत्ता लेने की राजनीति है।